अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब की फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो तहे दिल से आप लोगों के लिए दुआएं करती हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक ना आए, आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी आमीन कर दीजिएगा। तो जी माशाल्लाह, हवा दिखाओ ज़रा पहले तो इतनी कोई तेज़ हवा चल रही है ना, इतनी। और देखिए पत्ते देखें ज़रा आप। अभी सुबह ही मैंने 7 बजे झाड़ू मारी है, कपड़े धोए हैं और कुछ कपड़े तो खुश्क भी हो गए, जो कि मैं चेक कर रही थी कि कौन से खुश्क हैं कौन से उतारने, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी सारे कपड़े ड्राई हो गए, लेकिन मैंने चादरें उतार ली हैं क्योंकि पत्ते इतने ज़्यादा गिरे तो मुझे दोबारा झाड़ू मारनी पड़ेगी, क्योंकि अभी बुरा लगता है पत्ते फैले हों, जैसे लगेगा पूरा घर ही गंदा है। तो बस कपड़े कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गए हैं, जो कि मैं चाह रही हूँ कि उतार लूँ, क्योंकि मिट्टी भी पत्तों के साथ नीचे गिर रही है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कपड़े खुश्क हो गए हैं। तो बस ये कपड़े मैं उधर सोफे पर रखती हूँ। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है अपने चैनल को, ताकि मुझ में एक ये कहना हौसला अफजाई आए, एनर्जी आए और अच्छे अच्छे व्लॉग मैं आपको दे सकूं। तो बस झाड़ू उठाते हैं और दोबारा से वही अपना काम करते हैं। काम तो हो गया था, लेकिन ये है कि दोबारा मुझे झाड़ू लगानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होती है, घर गंदा लगता है सिर्फ पत्तों की वजह से। बाकी माशाल्लाह देखें गैली भी सारी मैंने नीट एंड क्लीन कर लिए, पोछे लगा लिए और किचन में सिर्फ वाइपर लगाने हैं, अभी बर्तन धोएँ और अभी झाड़ू लगा लें। अब मौसम कोई ऐसा खुश्क और तेज़ हवा चल रही है एक हफ्ते से, इतनी तेज़ हवा कि मैं दिन में 4 से 5 दफ़ा ही झाड़ू लगाती हूँ और इतने इतने पत्ते जमा हो रहे हैं। बच्चे भी ठीक ठीक के आ रहे हैं, मम्मा हम थक जाते हैं, आप इतना जमा कर देती हैं पत्ते। तो मैंने कहा बेटा मैं क्या करूँ, इतने पत्ते जब गिर रहे हैं तो घर तो साफ नीट एंड क्लीन रखना है ना, क्योंकि हमारे घर में जामुन का दरख्त है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पत्ते गिरते हैं। बाकी कपड़े मैं बाद में उतारूंगी, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े वो गीले लग रहे हैं, अगर अभी उतार के रख दिए ना तो उसमें स्मेल आ जाएगी। तो बस ये है कि आप चपाई भी छा दिए, अब थोड़े बहुत काम मैंने किचन के करने। सब्जी काट लेते हैं। सब्जी में आया है मेरा दिल करवा था और सुसर का भी दिल और मेरे हस्बैंड का भी, बच्चे तो खैर नखरे करके ही खाएंगे। मैंने कहा आज पालक और चिकन बनाई जाए, तो ये काट के मैंने बॉयल करना है। तो अभी यहाँ करूँगी दोबारा से वो पत्ते शत्ते गिर जाएंगे और फिर वाइपर लगाना पड़ेगा, सारा कपड़ा मारना पड़ेगा। तो बाहर चटाई पे बैठ के ये कटिंग करती हूँ इसकी। अजाने भी स्टार्ट हो गई हैं, 1:45 हो रहा है, तो मैं क्या नमाज से पहले ये सब्जी काट के बॉयल करना रख दूँ, ताकि जब नमाज पढ़ के आऊँ तो ये हमारी जो पालक है बॉयल हुई है मैं बॉयल करके डालती हूँ। ये देखिए टमाटर आए हैं और पालक आई है, बाजाने होती हैं, फिर आगे वीडियो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह ही नाश्ता हो गया था और बर्तन भी सारे माशाल्लाह धो लिए थे मैंने, तो बस वाइपर लगाना रह गया था। तो मैंने कहा पहले कपड़ों को चेक करते हैं, सूख गए वो उतारते हैं। तो बस जल्दी जल्दी सुबह जितना काम हो जाए ना उतना ही बंदा जल्दी फ्री हो जाता है और घर के और काम भी देख लेता है। कपड़े मैंने उतार लिए हैं तारों में से, बस एक तार वाले बचे हैं जो थोड़े से गीले थे, तो मैंने कहा थोड़े से सूख जाएं, क्योंकि अगर उतार के मैंने सोफे पे रख दिए ना यहाँ तो इन कपड़ों में भी स्मेल आ जाएगी और वो भी नहीं सही तरीके से सूखे। और सैफुल्ला करवा रहे हैं बाबा के साथ काम, बाइक धुलवाई है, बस अब ये इसको नीट एंड क्लीन कर रहे हैं। बस आप ये कर लें तो फिर बाज़ार जाना है, क्योंकि वो दोनों बच्चों के बैग्स हैं और शूज़ हैं वो लेने हैं, तो बस इनके साथ मैंने बाज़ार जाना है। और बस बॉयल करने मैंने ये रख दिया है साग, ये बॉयल होगा तो इसको छानूंगी, फिर चिकन निकालूंगी, उसकी भुनाई करूंगी और बस ये है कि बस इनका इंतज़ार है मुझे और बस बाज़ार जाना है। फिर वो भी थोड़े बहुत काम बहुत ज़्यादा रहते हैं जो आप लोग से थोड़े थोड़े करके मैं शेयर करूंगी, कोशिश करूंगी। बस ये बाइक अब साफ हो रही है ये सारी धुल गई है, नीट एंड क्लीन हो गई है, बस इसको खुश कर रहे हैं। बस ये तारे भी सारे कपड़े तारों से उतार लूँगी और ये देखे मैंने अभी झाड़ू लगाई थी ना, फिर पत्ते जमाए। बस ये मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त हो जाती है जब हवा चलती है ना,
तो दिन में 4 से 5 दफ़ा तो मैं झाड़ू लगाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग करने गई थी, थोड़ी बहुत बच्चों के स्कूल की करके आ गई हूँ। तो मैंने कहा कुछ एक दो बातें थी आप लोग से शेयर करनी थी, क्योंकि माशाल्लाह मैं लुबना की तरफ गई थी उसकी तबीयत पूछने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक भी हो गई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो एक दो कमेंट्स ऐसे थे जब उन्होंने वीडियो देखी कि मैं लुबना के पास बैठी हूँ उसकी तबीयत पूछ रही हूँ, तो बस क्या कह सकते हैं लोगों की ज़हनियत का, अल्लाह ताला उनको अच्छी एक सोच दे और अच्छा बोलने की उनको तौफीक दे। तो बस आप लोगों के लिए दुआएँ हैं, और किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का भी दिल ना दुखाएं, और क्योंकि दिलों में बसता है अल्लाह, और जब आप किसी की दिल आज़ारी करते हैं तो मैं तो बदवा नहीं दूंगी, अल्लाह ना करे, आप लोगों को सबको दुआएं दूंगी जितनी मेरी वीडियो वॉच करते हैं, अल्लाह ताला उनको खुश व आबाद रखे, और जो बैड कमेंट्स करते हैं उनके लिए भी तह दिल से दुआएँ हैं और अल्लाह ताला वो कबूल भी करता है इंशाल्लाह ताला। और बस ये है कि बैड कमेंट्स करने से पहले सोच लिया करें कि ना हमने आपका कुछ बिगाड़ा है, ना ही आपको कुछ कहा है, बल्कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाते हैं ताकि आप लोग इंटरटेन हो, अपने फैमिली कंटेंट बिल्कुल सिंपल से आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और मैं 2 साल से लुबना को जानती हूँ, उनके घर मेरा आना जाना है, वो भी माशाल्लाह पहले बहुत आती थी मेरे घर, लेकिन आंटी की आइज़ का बहुत ज़्यादा मसला हो गया है, रात के टाइम उन्हें ज़्यादा ठीक नज़र नहीं आता। तो उन सब के लिए भी दुआएँ कि अल्लाह ताला आंटी को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे, अल्लाह लुबना को ज़िंदगी दे सलामत रखे, बस दुआएँ दे सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो बस चलती हूँ किचन में, आप लोगों से अपनी कुकिंग आज की शेयर करती हूँ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह किचन में मैं आ गई हूँ, तो मैंने कहा अपनी रेसिपी बता दूँ, क्योंकि बच्चे भी मसरूफ़ हैं, ये भी मसरूफ़ हैं, तो मैंने कहा इनको तंग नहीं करते, अपनी रेसिपी खुद बताते हैं, जो कि मैं बना रही हूँ। स्टार्ट मैंने कर दी है बनाना, पीछे सारी चीज़ें आपको पड़ी नज़र आ रही हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, चिकन भी निकाल लिया है, टमाटर लहसुन अदरक और बॉयल किए हुए ये पालक है, ऑयल भी निकाल लिया है, स्पाइसेस भी निकालती हूँ। बस प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसको दही के साथ टमाटर लहसुन अदरक के साथ ग्राइंड करेंगे, सारे स्पाइसेस डालेंगे, और सबसे पहले हम करेंगे प्याज सॉरी चिकन को हम गोल्डन करेंगे, उसके बाद हम ये ग्राइंड की हुई सारा कुछ डाल देंगे और साथ मसाले भी डाल देंगे। बस इतनी आसान रेसिपी थी हमारी, तो बस स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं खाना। तो जी कमरे में आ गई हूँ और सैफुल्ला फ्री है और देख रहे हैं माँ सफदर का व्लॉग, जो कि बहुत शौक से देखते हैं हम सब घर वाले, और बस यहाँ चाय भी पी ली हमने। अब मैं सैफुल्ला के पास आई हूँ, सैफुल्ला सलाम करो। सलाम वालेकुम। सलाम, आ जाओ, मम्मा ने रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट कर ली है, तो मम्मा की थोड़ी सी वीडियो बना लो ताकि वीडियो का एंड हो जाए ना, कंप्लीट हो गया सारा काम। तो मैं सैफुल्ला को बुलाने आई हूँ, आ जाओ, शाबाश मेरा बेटा, आ जाओ। कहाँ चाले मेरे बेबी, ऊपर से आ लो, खेल रहे थे, सलाम तो कर दो। वालेकुम अस्सलाम, मुहिब के साथ खेल रहे थे, चलो जाओ कमरे में, बस मम्मा किचन में जा रही है, ठीक है, आ जाओ सैफुल्ला मेरा बेटा जल्दी से, शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छे हैं दोनों, बहुत अच्छे हैं, मम्मा की वीडियो बनाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो साग था वो रेडी हो गया है, बस मैं इसमें काटूंगी अब धनिया, जो कि इसका फ्लेवर और अच्छा करेगा, और बस यहाँ हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है। ये कि इसमें जरा देर लगती है, इसको कटिंग करने में देर लगती है, फिर बॉयल करने में, लेकिन मसाला इसका आराम से जल्दी बन जाता है। तो बस ये कि इसको मैं हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, बस ये दम पे भी आ जाएगा, इतनी कोई मतलब हल्की आँच ही नहीं कि पकता रहेगा, इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, इसका टेस्ट ज़्यादा पकाने से चेंज भी हो जाता है। बस जितना पकाना था मैंने पका दिया है, और हल्की आंच पे रखूंगी 5 से 6 मिनट, और बस ये मैंने धनिया भी डाल दिया है, और ये डाली हूँ जी हरी मिर्चें, और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो आपने चैनल करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। प्लीज़ कमेंट्स भी क्या करें, कमेंट्स करने से मुझे बस ये पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और ये है कि हौसला अफजाई होती है, इतनी मेहनत हम आप लोगों के लिए करते हैं ताकि घर बैठे आप हमारी रेसिपीज़ देखें, इंटरटेन हो, हमारी मतलब फैमिली कंटेंट आप देखें। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, करीब से दिखाओ सैफुल्ला। धनिया मैंने डाल दिया है, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, बस यह हमारी होती है रेसिपी कंप्लीट। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और यहाँ बस थोड़े से बर्तन हैं जो मैंने धोने हैं, और शेल्फ भी सारी साफ़ कर दी, साथ के साथ मैं बर्तन भी धोती रहती हूँ और किचन भी साफ़ करती हूँ, ताकि जब किचन से जाऊँ तो किचन नीट एंड क्लीन हो। बस इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, वीडियो वॉच करते रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, और इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।